हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गमका मेडिकल के बारे में। गमका मेडिकल ये वो मेडिकल होता है जो भी इंडियन इंटरव्यू देते हैं गल्फ कंट्री के लिए, जब वो क्वालिफाइड कर जाते हैं, जब इंटरव्यू पास हो जाता है, इंटरव्यू पास करने के बाद उसको एक मेडिकल कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं गमका मेडिकल। तो गमका मेडिकल करने के लिए पहले प्रोसीजर करना पड़ता था, थ्रू आपके एजेंट हो या थ्रू जो ऑफिस में आप इंटरव्यू दिए हैं, ये सारा हम लोग उसको फॉलोअप करते थे। फिर उसको हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता उसको देते थे, वो अपने हिसाब से हमको अपॉइंटमेंट दे करके हमको बुलाया जाता था। लेकिन ये प्रोसीजर आपको मैं इस वीडियो में आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट खुद ले सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो में जाएं और जरूर देखें कि हम गमका मेडिकल का कैसे रहते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया, मैंने खुद ये गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट लिया है। आप इस वीडियो में जाएं और देखें। तो GCC ऑनलाइन में जा करके आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, फिर ये पासपोर्ट नंबर, जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट नंबर भरेंगे। ये वीज़ा का टाइप है, कौन सा वीज़ा है उस तरह का वीज़ा टाइप भरिएगा, वर्क है कि फैमिली वीज़ा इस तरह करके। फिर जॉब टाइटल, जो यानी कि आप जो अप्लाई किया जॉब उसमें जॉब टाइटल आता है जिस काम के लिए जा रहे हैं। फिर कहाँ से इशू हुआ है वो इशू का डेट हो गया, और ये इशू हुआ पासपोर्ट यानी कि कब अपना पासपोर्ट इशू हुआ उसका डेट यहाँ डालेंगे। फिर आगे यहाँ पे एक्सपायरी यानी कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायरी हो रहा है उसका डेट डालेंगे, ठीक है। फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट आपको आएगा डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो एप्लीकेंट जा रहा है बाहर जिसका पासपोर्ट है उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर वो अपॉइंटमेंट डेट, कौन सा डेट में आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं यानी कौन सा डेट में आप मेडिकल कराना चाहते हैं उसका डेट डालिए। फिर अपना फ़ोन नंबर डालिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद फिर यहाँ एक ईमेल आईडी है, यानी कि इस ईमेल आईडी में सारा कुछ आपका डिटेल्स आएगा, कब अपॉइंटमेंट लेना है, कब नहीं लेना है, ये सारा मेल में जाएगा, इसलिए आपको मेल आईडी देना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे एक मेल आईडी दे दीजिएगा, किसी का भी मेल आईडी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा कि मैरिड है कि सिंगल है, तो आप मैरिड है तो मैरिड डालेंगे, सिंगल है तो सिंगल डालिएगा। आगे है कि आप मेल है कि फीमेल है, तो मेल है तो मेल डालिएगा, फीमेल है तो फीमेल डालिएगा। अगर फिर आपका कहाँ से, इंडिया से है और कौन सा सिटी में लेना चाहते हैं, जैसे मैं पटना ले आना चाह रहा हूँ तो मैं पटना डाल रहा हूँ। फिर आप कौन से कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे मैं सऊदी जा रहा हूँ तो सऊदी डाल रहा हूँ। फिर मेडिकल सेंटर ऑटोमेटिकली आता है गमका सेंटर की तरफ से, और ये जो सामने में कैप्चा है उस कैप्चा को आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जाएंगे, जैसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ आगे आ जाएगा, एक अलग सा नेक्स्ट पेज खुलेगा, और इस पेज में आपको यानी कि ये करना है, पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट करना है इसका 1500 रुपये इंडियन मनी है, और इसके बाद आप जिसमें करना चाहते हैं, कार्ड से करें या ऑनलाइन करें, जिस थ्रू से करना करके आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कार्ड का ऑप्शन चूज कर रहा, तो मैंने अपना कार्ड डाल रहा हूँ। कार्ड डालने के बाद जिसका कार्ड नंबर है ATM नंबर डालिए, फिर जिसके नाम पे वो डालिए, फिर CVV कोड डालिए, और एक्सपायरी ATM का एक्सपायरी डालने के बाद, फिर जैसे ही आप पे नाउ करेंगे तो पे नाउ करने के बाद आपका इस तरह करके एक नया पेज खुलेगा, तो जिसमें आपको ये कन्फर्मेशन आएगा यानी कि OTP आएगा। OTP बैंक का OTP आता है, OTP जैसे ही हो जाएगा तो फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर आपका यहाँ से आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं ये अपॉइंटमेंट हो गया, और इसकी ये आपको मेल में भी आ जाए।